व्हाट्सएप ट्वेल्थीज, आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी अकाउंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों आपने अक्सर एक वर्ड तो सुना होगा, पार्टनरशिप। क्रिकेट देखते हो, क्या आता है इन दोनों की पार्टनरशिप इतने रन्स की हुई? फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली रोहित शर्मा की पार्टनरशिप 100 रन्स की हुई। बहुत बार अक्सर हमने लाइफ में वर्ड सुना है, पर होता क्या है पार्टनरशिप? अगर मैं आपसे पूछूं पार्टनरशिप क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? सिंपली यू विल से सर पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कुछ काम करें, ये तो बोलोगे राइट? यही है पार्टनरशिप। बस छोटा सा पॉइंट क्या है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करे, और बिजनेस किस मोटिव से करोगे? प्रॉफिट, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। पॉइंट क्लियर? अब टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन वो क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो क्या हुआ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। रिलेशन यानी रिश्ता, या एक में बोलूं एग्रीमेंट, एक तरह से जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन persons। persons मतलब टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट्स का मतलब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा। एक सिंपल से लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज में एक ना कहावत है कि तेजी हम खाएंगे तो मंदा कोई और खाएगा, ठीक है? तो सेम कि प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो पहले यहां से यहां तक की तो डेफिनेशन आप सबको नॉर्मली याद और कॉमन सेंस से हमारे को समझ भी आती है। ये मैंने ग्रीन से इसलिए लिखा है कि ये टेक्निकल पॉइंट है जो बच्चा भूलता है डेफिनेशन में। अब क्या हुआ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन यानी अंडरस्टैंडिंग है जो किसके लिए तैयार हुए, बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल, इसको समझो, कैरिड ऑन मतलब कैरिड ऑन बाय ऑल यानी सब मिलके चलाए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल या कोई भी चलाए, मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो तीन लोग हैं, नोबिता शिजुका जियान, तीन लोगों के। अब नोबिता शिजुका जियान ने एक टॉय का बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, टॉय की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया पार्टनरशिप में नोबिता शिजुका जियान। अब जियान कहता है भाई मैं काम नहीं कर सकता, मैं इतना मोटा हो चुका हूँ कि मैं काम ही नहीं कर सकता, मेरे से नहीं चला जाएगा, मैं पैसा लगा दूंगा पर मैं काम नहीं करूंगा। पॉसिबल है या नहीं? यानी बिजनेस एक्चुअल में रन कौन कर रहा है? नोबिता और शिजुका, राइट? हो सकता है शिजुका बोले मेरे को तो पढ़ने के लिए कहीं जाना है, मैं नहीं कर सकती, तो उस समय बिजनेस कौन चलाएगा? नोबिता। बट कहलाएंगे तो तीनों पार्टनर्स ना, यानी कोई भी बिजनेस चला सकता है, एक भी चला सकता है या सारे भी चला सकते हैं, ठीक है? तो पार्टनरशिप क्या, एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। पार्टनरशिप क्या, रिलेशन यानी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है किसके बीच, पर्संस दो या दो से ज्यादा लोग के बीच, हु हैव एग्रीड, जो किसके लिए तैयार हुए हैं, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी चलाए या सब मिलके चलाए। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट,
ये डेफिनेशन लिखी कहाँ हुई है, ये डेफिनेशन कहाँ है, ये लिखी हमारे सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आप बोलोगे सर ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या चीज है, मैं बोलूंगा हमारा जो लॉ होता है ना कानून, ये ना कुछ बुक्स में बंद होता है, आपने अक्सर सुना होगा कानून में ये लिखा है कानून में वो लिखा है, अरे कानून में लिखा कहाँ है, जो कानून हमारा बंद होता है ना वो बुक्स में लिखा होता है, उनको हम बोलते हैं एक्ट्स। ठीक है, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हर चीज का एक एक्ट है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, आपसे हम डील कर रहे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स आपने आईपीसी सुना होगा, ठीक है, जो अक्सर क्रिमिनल्स के लिए होता है, हर चीज का कानून है, तो उसी तरह पार्टनरशिप का भी कानून है, जिससे क्या बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब सर सेक्शन क्या है, सेक्शन इसमें मेरे अच्छा पॉइंट्स को हम बोलते हैं कि पॉइंट नंबर 4, अभी एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ओके, तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा आइए अब जरा सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, सेकंड है पार्टनर्स। सर पार्टनर्स कौन होते हैं, इतनी कॉमन सेंस से आपको समझ आ चुका है, जो लोग पार्टनरशिप में आते हैं यानी जो लोग बिजनेस को करते हैं उन्हें हम पार्टनर्स बोलते हैं। तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, द पर्संस एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स ठीक है। अब एक वर्ड आता है फर्म क्या है, इसी को मैं लिख पा रहा हूं यहां पे, एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म, एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म, मतलब सिंपल सी बात है, जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है उसे फर्म बोलते हैं, यानी नोबिता शिजुका जियान मान लो टॉय कंपनी है, ठीक है, तो ये फर्म होगी, ओके, ये दुकान को फर्म बोलेंगे और इन तीनों को सेपरेटली हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन है सीबीएसई 2018 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में, इंडिविजुअली क्या बोलते हैं पार्टनर्स और कलेक्टिवली क्या बोलते हैं फर्म, ये बात ध्यान रखना, ओके। अच्छा अब पहले इतना नोट करते हैं फिर आगे चलते हैं।